हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, यह मसल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये सातवां वीडियो है एंड मैं यूथ कंपटीशन से प्रैक्टिस करा रही हूँ। जैसा कि डिमांड था आप लोगों का कि यूथ कंपटीशन का पूरा प्रैक्टिस करा दीजिए, एंड यदि आप MP वर्क 2-3 UP TGT PGT UP LT ग्रेड BPSC TRE 4 एंड अन्य सभी स्टेट के फिजिकल एजुकेशन कम्पटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली बेसिस से मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल पे फ्री में डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है एंड थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज पूरा कराया गया है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पूरा वीडियो देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं छोटा ही वीडियो इस टाइम बना रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि श्रोणी को मोड़ने में प्रयुक्त पेशी किसके रूप में जानी जाती है। द मसल्स यूज इन फ्लेक्शन ऑफ द पेल्विस एज नोन एज। तो श्रोणी यानी कि जो हिप है, कुल्हे को मोड़ने में किस पेशी का यूज होता है। दोस्तों, तो आपको पता है कि जो जांग के सामने की मसल्स होती है क्वाड्रिसेप्स, जो 4 मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, ये श्रोणी यानी हिप को मोड़ने में काम करती है और घुटने यानी पैर को फैलाने यानी एक्सटेंशन करने में काम आती है। और इसका जस्ट उल्टा जो जांग के पीछे वाली मसल्स हैमस्ट्रिंग ग्रुप होती है, हेमेस्ट्रिंग मसल्स 3 पेशियों से मिलकर बनी होती है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस और सेमी टेंडेनियस। वो क्या करती है, जांग के पीछे वाले हेमेस्ट्रिंग ग्रुप, वो आपका हिप को फैलाने में और घुटने यानी पैर को मोड़ने में मदद करती है। और जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है जांग के सामने वाली, यह जांग की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लंबी दूरी के श्रेष्ठ पुरुष और महिला धावकों में होते हैं। द बेस्ट मेल एंड फीमेल लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैव। दोस्तों, जो लंबी दूरी के श्रेष्ठ महिला पुरुष धावक है उसमें कौन सा मसल्स फाइबर होगा, आप समझ सकते हैं। इसका कई बार आपको वीडियो प्रैक्टिस कराया गया है। तो धीमे स्फुरण वाले ज़्यादा तंतु, यानी कि मोर स्लो ट्विस्ट फाइबर्स, क्योंकि हमारे मसल्स 2 प्रकार के फाइबर्स होते हैं, स्लो रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर। जो रेड मसल फाइबर होते हैं वो स्लो ट्विस्ट यानी धीरे धीरे संकुचित होते हैं, जो वाइट मसल फाइबर होते हैं वो फास्ट ट्विस्ट यानी कि जल्दी जल्दी संकुचित होते हैं। और जो अनएरोबिक क्रियाएँ होती हैं, अवायवी क्रियाएँ जो कम समय की हाई स्पीड से हाई इंटेंसिटी से स्ट्रेंथ वाले होते हैं, वो आप उसमें आपका वाइट मसल फाइबर यानी कि फास्ट ट्विस्ट फाइबर ज़्यादा वर्क करता है। और जो लंबी समय की क्रियाएं हैं, एंडोरेंस वाले वायवीय जो है एरोबिक क्रियाएं होती हैं, उसमें स्लो ट्विस्ट फाइबर यानी कि रेड मसल फाइबर ज़्यादा वर्क करती है। जैसे कि हमारा जो स्केलेटल मसल्स होती है, रेखीय पेशियाँ होती हैं, उसमें ज़्यादा संख्या में वाइट मसल फाइबर होते हैं यानी कि फास्ट ट्विस्ट फाइबर। और जो अरेखित यानी कि अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं जिसे स्मूथ मसल्स बोला जाता है, जो हमारे आंतरिक अंगों जैसे छोटी याद, बड़ी याद, दीवारों आदि में पाई जाती हैं, उसमें रेड मसल फाइबर पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रेड मसल फाइबर हृदय पेशियों में पाई जाती है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जोड़ने में कौन हेल्प करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है एक दूसरे को जोड़ने में हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत हमारा जो वाइट फाइबर्स, टेंडन, लिगामेंट्स एंड कंकाल मांसयोजी ऊतक में कार्टिलेज, बोन एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड, लिम्फ आता है एंड एरियोलर पिगमेंटेड एडिपोज, रेटिकुलेट आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीटॉप्स का उद्देश्य है। दोस्तों, सीटॉप, द पर्पज ऑफ सीटॉप्स क्या होता है,
ठीक है, आप सबको पता है सिटअप्स कैसे लगाते हैं, तो यह उदर की पेशी में शक्ति उत्पन्न करता है, द डेवलप ऑफ स्ट्रेंथ इन द एब्डोमिनल मसल्स। जब सिटअप लगाते हैं तो फोर्स डायरेक्ट बीच में सेंटर पे पड़ता है एंड ये जो है आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट बेस पे है, अभिकथन ए है कि स्वेस मांसपेशी को खींचने से रीढ़ पर बल बढ़ जाता है। तो ये बात राइट है दोस्तों कि स्वेस मांसपेशी के खींचने से रीढ़ पर बल जो है वो बढ़ जाता है। एंड इसके तर्क में आ रहा है कि लंबर रीढ़ में अधिक पीछे झुकने के साथ बल कम होता है, तो यहाँ पे ए आपका राइट है बट आपका तर्क आर जो है गलत है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गति को निर्धारित करने वाले सही संयोजन की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन दैट डिटरमिनेट मोमेंट्स। तो दोस्तों गति को निर्धारित करने में आपका सबसे पहले तो आपका आ जाएगा ए यानी कि मानसिक कारक, ठीक है, एंड उसके बाद आपका आएगा फ्लेक्सिबिलिटी सी, फिर आपका आ जाएगा तंत्रिका प्रणाली की गतिशीलता डी। तो ए सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए सी डी ऑप्शन नंबर सी। तो मानसिक कारक, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, तंत्रिका प्रणाली की गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, ये गति को संयोजन गति को निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पहले बृहद पेशी समूहों का व्यायाम किया जाता है उसके पश्चात लघु पेशी समूहों का। इसमें आपको सीक्वेंस में लगाना है कि निम्न पेशी समूहों को अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आप अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि पहले पेट की मांसपेशी यानी एब्डोमिनल मसल्स, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना चाहिए नितंब और निचली पीठ की, बटॉक्स एंड लोअर बैक, उसके बाद आपको पिंडलियों की, ठीक है, उसकी पिंडलियों को करने के बाद आपको वच यानी चेस्ट का करना चाहिए, उसके बाद आपको स्कंध यानी कंधे का, शोल्डर का, उसके बाद गर्दन यानी कि नेक का। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी पेशी संकुचन की क्रिया होने का सही क्रम है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, तंत्रिका अंतःप्रेरणा सृजित होती है, यानी कि तंत्रिकाओं से जो है जो भी इंफॉर्मेशन होता है नहीं न्यूरो ट्रांसमिशन इज जनरेटेड सबसे पहले होता है। उसके बाद क्या होता है, क्रिया क्षमता विकसित होती है यानी कि एक्शन पोटेंशियल इज डेवलप्ड, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जब आता है तभी तो आपका एसिटाइल कोलाइन निकलता है न्यूरॉन से, उसके बाद मसल्स में जाता है एक्शन पोटेंशियल, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो आपका पहले हो गया तंत्रिका अंतःप्रेरणा सृजित होती है, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, उसके बाद आपका एसिटाइल कोलाइन निकलता है न्यूरॉन से नर्व टिश्यू से, ठीक है, उसके बाद आपका कैल्शियम ट्रोपोनिन संतृप्त हो करता है, उसके बाद आपका एसिटोमाइसिन कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अवलंबी मांसपेशियाँ जिसमें कम स्पोर्ट टेंडन होती हैं
और असुंडाकार होती हैं को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये जो होती हैं पट्टा मांसपेशियां कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? पट्टा मांसपेशियां। ये लॉन्गिट्यूडन मसल भी बोला जाता है एंड इसमें स्पर्श टेंडन होती हैं और असुंडाकार होती हैं। इसको पट्टा मांसपेशियों को स्ट्रैप मसल्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रैप मसल्स या पट्टा मांसपेशियाँ आपका राइट होगा। जैसे कि जो है मसल्स को स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स यानी पेशियों के आकार तथा बनावट के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है बेलन आकार की प्यूसी फॉर्म या स्पिंडल फॉर्म, जिसमें बेलना जैसे कैसे होता है बीच में उठा हुआ होता है गोल गोल और दोनों तरफ सकरा होता है। इसमें आपका ब्रांचियोलिस एंड आपका रेडियोलिस आता है। दूसरा पेनी फॉर्म या फेदर लाइक चिड़िया के पंख के आकार की। पेनी फॉर्म में क्या होता है कि तंतु जो है यानी फाइबर मसल्स फाइबर जो है टेंडन के साइड में तिरछे या विकर्ण जैसे निकले रहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है पेनी फॉर्म, यूनि पेनी फॉर्म, बाई पेनी फॉर्म एंड मल्टी पेनी फॉर्म। यूनि पेनी फॉर्म में फाइबर टेंडन के एक तरफ ही चिपके रहते हैं जैसे कि टिबियस पोस्टीरियर जो टिबिया के पीछे की ओर होती है एंड सेमी मेम्ब्रेनियस जो हेमिस्टिंग मसल्स का ग्रुप होता है पिछले जांघ के पास स्थित एंड डिजिटोरल लोंगस फिब्यूला के आगे स्थित होता है। दूसरा होता है पेनीफॉर्म का बाई पेनीफॉर्म यानी फाइबर टेंडन के दोनों तरफ चिपके रहते हैं जैसे रेक्टस फेमोरिस जांघ की हड्डी एंड लोंगस कोलाई। तीसरा होता है मल्टी पेनीफॉर्म जो एक ही जगह से कई टेंडन निकले रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार तीसरा होता है आपका ट्रायंगुलर एंड फॉन शेप्स यानी तिकोने अथवा हाथ से हाँपने वाले पंखे के समान, जैसे कि एक सिरा सकरा होता है तक और दूसरा सिरा चौड़ा रूप में होता है जैसे ट्रेपेजियस पीठ के पीछे गर्दन के पास की मसल्स एंड पेक्टोरलिस मेजर वक्ष के ऊपर की मसल्स एंड टेम्पोरेलिस कान के ऊपर की मसल्स एंड ग्लूटियस मेडियस कुल्हे की एंड डेल्टायर मसल्स। चौथा आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल जिसे हम स्ट्रैप या पट्टा पेशी कहते हैं, रिबन के आकार की होती है। यह लंबी रिबन जैसी होती है, फाइबर एक दूसरे के समानांतर होते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सार्टोरियस जांघ के पास की कमजोर मांसपेशी एंड रेक्टस एब्डोमिनल पेट के बीच की पेशी आती है। पांचवा क्लासिफिकेशन है क्वाड्रिलेटरल यानी चौकोर मांसपेशी, चौकोर मोटी या इसमें तंतु आपस में समानांतर जुड़े रहते हैं जैसे रोम्बॉइड गर्दन के पीछे की मसल्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, प्रोनेटर क्वाड्रिटियस जो हथेली की तरफ से कलाई के ऊपर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है मांसपेशी सहन क्षमता की पुष्टि का एक घटक है, इनमें से कौन सा मांसपेशी सहन क्षमता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? दोस्तों मांसपेशी सहन क्षमता मस्कुलर एंड्योरेंस जो होता है इसमें कौन सबसे अच्छा आपका वर्णन कर रहा है? यहाँ पे ध्यान से देखिए तो सहन क्षमता जहाँ पे आ जाएगा थकान शब्द जरूर आ जाएगा यानी थके बिना पुनरावृत्ति कार्यों को पूरा करने में सक्षम होना, बीइंग एबल परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क विदाउट गेटिंग फटीग। ठीक है, तो मांसपेशी सहन क्षमता को कई बार मांसपेशी शक्ति समझ लिया जाता है, ये गलत है। सहन क्षमता जहाँ आएगा वहाँ लंबे समय तक पुनरावृत्ति क्रियाएं ये शब्द आएगा और थकान शब्द आएगा। मांसपेशियों के बिना थके पुनरावृत्ति कार्यों को पूरा करने में सक्षम होना ही सहन क्षमता कहलाता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है मांसपेशी पीड़ा के दूसरे प्रकार को DOMS कहा जाता है, DOMS का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों DOMS का फुल फॉर्म होता है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। खेल चिकित्सा में क्लिनिक में एक अध्ययन में पाया गया कि जो डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस जो है मांसपेशियों और आसपास के संयोजी ऊतकों को माइक्रोटूमा का परिणाम होता है जो सूजन का कारण बनता है और दर्द होता है, इसे मांसपेशी पीड़ा के दूसरे नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, तनावपूर्ण मांसपेशियों की वजह क्या है? व्हाट कॉजेज टेंस मसल्स? तो दोस्तों, तनावपूर्ण मांसपेशियों का वजह होता है अचानक ओवर ट्रेनिंग। आप एकाएक ओवर ट्रेनिंग, सडन ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेच, आप आवश्यकता से अधिक स्ट्रेच कर देंगे तो मांसपेशियों की जो तनावपूर्ण स्थिति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोटा फिलामेंट में लंबा प्रोटीन समाविष्ट होते हैं जिसका नाम क्या है? दोस्तों, दो फिलामेंट होते हैं, एक थिन फिलामेंट जो पतला होता है, दूसरा थिक फिलामेंट जो मोटा फिलामेंट होता है। थिन जो पतला होता है उसे एक्टिन फिलामेंट कहते हैं, और जो मोटा होता है उसको मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। तो यहाँ पे मोटा पूछा है, थिक फिलामेंट, ठीक है, तो थिक यानी कि मोटा फिलामेंट आपका मायोसिन को कहते हैं, और थिन यानी कि पतला फिलामेंट एक्टिन को कहते हैं। एक्टिन फिलामेंट के मायोसिन फिलामेंट पर फिसलने पर ही मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मांसपेशी सहन क्षमता का क्या अर्थ है? व्हाट इज मेंट बाई मस्कुलर एंडोरेंस? तो मस्कुलर एंडोरेंस अभी जस्ट पूछा है, मांसपेशी सहन क्षमता, तो सहन क्षमता जहाँ आएगा वहाँ लंबा समय जरूर आएगा, याद रखिएगा, और थकावट यानी कि फटिक जरूर आएगा, बिना थके या थकावट के साथ ये शब्द आएगा, तो मांसपेशी सहन क्षमता है। तो देखते हैं, वह बल की मात्रा जो एक मांसपेशी डाल सकता है, इसको स्ट्रेंथ कहते हैं। बी है, वह मांसपेशियों का जो थके बिना थोड़े समय के लिए, दोस्तों थोड़े समय आते ही आप काट दीजिए, क्योंकि सहन क्षमता में थोड़ा समय नहीं आता, लंबा समय आता है, ये भी गलत है। सी है, वह मांसपेशियों का थके बिना लंबे समय के लिए काम करने की क्षमता, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, ठीक है। यानी कि इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट एक्सट्रेशन यानी कि फटिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब नियमित व्यायाम से मांसपेशियों में वृद्धि होती है, व्हाट डज रेगुलर एक्सरसाइज लोड टू इंक्रीज इन मसल्स मास? तो दोस्तों, नियमित व्यायाम से मांसपेशियों में शक्ति में वृद्धि हो रही है, आकार में वृद्धि हो रही है, तो उसे मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इसमें शक्ति ज़्यादा होती है तथा लचीलापन कम होती है, ऊर्जा का संचार तेज होता है, और इसके विपरीत जो नियमित व्यायाम न करने से या व्यायाम के अभाव में या से अनुवांशिक कारण से आपका जो मांसपेशी कमजोर छोटी शक्ति में कम हो जाती है, उसे हम ऑट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर में मुख्यतः वसा जमा होती है, तो दोस्तों कहाँ पे वसा स्टोर होती है? तो आप सबको पता है, वसा जो है हमारे बॉडी में जाकर के फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदल जाती है, जो ट्राइग्लिसराइड फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल के रूप में एडिपोज टिश्यू के नीचे जमा होता है। और जो आपका जो वसा होता है कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन की अनिश्चित मात्रा यानी 76:12:12 होता है, और शरीर में मुख्यतः एडिपोज संयोजी ऊतक त्वचा के नीचे स्थित होता है, और मनुष्य में पेनिकुलम एडियोसिस वसी ऊतक होते हैं। मनुष्य के शरीर के विभिन्न भागों जैसे कि उदर के नीचे भाग, नितंबों, जांघों, काखों आदि में विभिन्न मोटाई कुछ सीमा तक पुरुष या महिला शरीर की आकृति पे अंतर के लिए जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सार्कोप्लाज्म पाया जाता है, सार्कोप्लाज्म इज फाउंड इन? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सार्कोप्लाज्म जो है वो आपका मांसपेशी कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, मसल सेल में। सार्कोप्लाज्म किस में पाया जाता है? मसल सेल में। जैसे कि आप जानते हैं कि संपूर्ण मांसपेशी को कौन घेरे रहता है? आपका एपिमाइसियम। फिर मांसपेशी के अंदर जो मसल फाइबर के बंडल होते हैं उसको घेरा रहता है आपका पेरिमाइसियम, और एक मसल फाइबर, सिंगल मसल फाइबर को घेरे रहता है आपका एंडोमाइसियम, और जो मसल फाइबर सिंगल होता है उसके ऊपर जो झिल्ली होती है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। मसल फाइबर के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न को निष्पादन को सुधारने वाली एर्गोजेनिक से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे आपको सुधारना है, सुधार एक तरफ आपका विकृति दिया गया है, तो ए है आपका मसल सोरनेस संकुचन। तो मसल सोरनेस जब भी आए दोस्तों, ये आपका अचानक कोई कार्य जो आपका ओवर यूज इंजरी है या लंबे समय के बाद उभरता है, अचानक आपको साधारण स्थिति में पता नहीं चलता मसल सोरनेस,
अगर कोई कार्य कर रहे हैं, कठिन कार्य कर रहे हैं, तो उस समय एकाएक दर्द होता है, उसे मसल सोरनेस कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ए का टू हो जाएगा, ए का टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिला देते हैं ए बी सी डी। तो मसल सोरनेस क्या होता है? अत्यधिक कठिन कार्य के बाद दर्द और असुविधा। तो दर्द में जहाँ पे मसल सोरनेस की बात आएगा, तो कार्य के साथ दर्द, दर्द ये याद रखिएगा की पॉइंट, कार्य के साथ दर्द। बी है का ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग क्या होता है दोस्तों? ओवर ट्रेनिंग आप कर लेंगे तो क्या होगा? मांसपेशी और हड्डी में लगातार, मांसपेशी हड्डी और जोड़ों में लगातार दर्द बना रहेगा। तो बी का क्या हो जाएगा? ए का टू हो गया और बी का थ्री हो गया। मसल्स पुल मतलब खींच जाना ज़्यादा। तो मसल्स पुल में क्या होता है कि कंकाली मांसपेशियों में और रेशों में अचानक स्थानीय और लगातार दर्द आवश्यकता से अधिक खींच जाता है, तो उसे मसल्स पुल कहते हैं। यहाँ पे सी का फोर हो जाएगा। मसल्स क्रैम्प किसे कहते हैं? कि अनैच्छिक रूप से आपका जो मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, खिंचाव आ जाता है। तो डी का वन हो जाएगा कि मांसपेशियों के रेशे का लगातार दर्द में संकुचन, ठीक है, डी का वन। इस प्रकार टू थ्री फोर वन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब मांसपेशी कमजोर छोटी और शक्ति में कम हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम कहते हैं मस्क्यूलर और ट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी, याद रखिएगा, और ट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी याद रखिएगा। इसको ये अनुवांशिक भी होता है, इसलिए अनुवांशिक शब्द लगाएगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप की पॉइंट याद रखिएगा कि मांसपेशी कमजोर और छोटी या शक्ति में कम शब्द आए तो वहाँ पे मस्कुलर और ट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी होगा। और जब नियमित व्यायाम के कारण मांसपेशी आकार में वृद्धि, शक्ति में वृद्धि भी होगी, तो वहाँ पे मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मांसपेशी की प्रयोग कार्यात्मक कुशलता इस पर निर्भर करती है। द फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ ए मसल्स डिपेंड्स ऑन। तो मांसपेशी की प्रयोग कार्यात्मक कुशलता किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो मांसपेशी के रेशों के गुण, जो मसल्स फाइबर होते हैं, उसके प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर्स, मसल फाइबर के जो गुण होते हैं, क्वालिटी होते हैं, उस पर निर्भर करता है। जैसा कि आप जानते हैं मसल फाइबर दो प्रकार के होते हैं, रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर। जो स्प्रिंटर होते हैं उनमें ज़्यादातर वाइट मसल फाइबर की मात्रा ज़्यादा होगी, जो एंड्योरेंस वाले एथलीट होते हैं उसमें रेड मसल फाइबर की संख्या ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड जो भी डाउट होगा जिस भी क्वेश्चन में, कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। और जैसा कि मैं 20 क्वेश्चन कभी 25 क्वेश्चन ला रही हूँ, जैसा मेरे को समय मिलता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बढ़ाती रहूँगी घटाती रहूँगी। आप टेंशन ना लीजिए, डेली बेसिस वीडियो जरूर वॉच कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।